बिल्कुल यार, टाइटल और थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा। जी हाँ गाइज, मेरा चैनल पिछले दिनों हैक हुआ है। तो यार, इस वीडियो में मैं आपको फुल प्रूफ और सारा कुछ बताऊंगा कि मेरे चैनल के साथ क्या हुआ था, किसने मदद की मेरी चैनल को रिकवर करने में, या क्या सीन हुआ था। सारा फुल प्रूफ के साथ मैं आपको बताऊँगा कि क्या हुआ था सारा सीन। तो यार, इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखना। अगर आप लोग यूट्यूब को अपना कैरियर बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग अपने चैनल की प्राइवेसी कैसे कर सकते हैं और क्या सीन कर सकते हैं कि आपका चैनल प्रोटेक्ट रहे अगर आप यूट्यूब में कामयाब होना चाहते हैं। तो सीन कुछ ये था यार कि मैं अपने दोस्तों के साथ रैंक पुश कर रहा था। तो मेरी आदत है कि मैं बार बार अपना चैनल रिव्यू करता रहता हूँ कि क्या सीन जा रहा है चैनल का। तो एकदम से मैंने देखा चैनल का नाम चेंज हो गया। ये वीडियो क्लिप आप लोग देख सकते हो कि चैनल का नाम और सारा कुछ लोगो वगैरह क्या हो गया था। एक्स बॉक्स कुछ नाम रखा है, एक्स प्राइज नाम रखा है। ये वही है वो बिटकॉइन वाला ना कुछ। यार, जैसे ही मैंने अपने चैनल का नेम और लोगो चेंज होते देखा, मैंने साथ ही अपने भाई को और मेरा दोस्त है तैया बॉक्सी गेमिंग, उसके चैनल के साथ भी एक दफ़ा सीन हो चुका है। मैंने इन दोनों को बुलाया जल्दी से और मैंने कहा यार ये चैनल का ये सीन हो गया। तो उन्होंने मुझे कहा जल्दी से पीसी पे लॉग इन कर, चैनल अपना और पासवर्ड चेंज कर दे। तो मैंने सेम ही किया यार, मैंने चैनल ओपन किया, उसका पासवर्ड चेंज किया। तो मैंने देखा चैनल पे एक लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हुई हुई थी, उस लाइव स्ट्रीम का भी मैं आपको आगे जाके थोड़ा सा बताता हूँ क्या सीन था। तो मैंने पासवर्ड चेंज किया तो भाई मेरा चैनल दोबारा एक्सेस से ख़त्म हो गया, क्योंकि मुझे पता चला कि मेरा चैनल था उसकी फुल एक्सेस हैकर के पास थी। उस मैं जो कुछ वर्क कर रहा था तो वो हैकर के पास ज़्यादा जा रहा था सारा कुछ। तो यार, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, मेरी फुल एक्सेस ख़त्म हो गई थी अपने अकाउंट से। तो मेरे भाई ने क्या किया, प्राइमरी ईमेल था मेरा, शुक्र है वो अगर ना होता तो भाई चैनल गया था बिल्कुल। तो वो प्राइमरी ईमेल की वजह से मेरा जो चैनल था वो वापस दोबारा से वेरिफिकेशन कोड के ज़रिए हम लोगों ने वापस ले लिया। तो ये जब सारा कुछ हो गया तो देखा यार लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हुई हुई थी। वो लाइव स्ट्रीम क्या थी कि क्रिप्टो करेंसी, जैसे कि आप लोगों को पता है वो बैन है, मतलब इलीगल है इंडिया, पाकिस्तान और बहुत सी कंट्रीज़ में। तो उस हैकर ने वो स्ट्रीम स्टार्ट की हुई थी। वो स्ट्रीम अगर आपकी 3-4 घंटे या थोड़ी देर के लिए आपके चैनल पर लग जाए, स्ट्रीम वो स्टार्ट हो जाए, प्ले हो जाए, तो वो यूट्यूब की तरफ से आपको वार्निंग आ जाती है, आपका चैनल फुल एलिमिनेट ख़त्म हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है आपका चैनल। हाँ, डिलीट फ्रॉम यूट्यूब कर दे बस, सही है। तो यार, इसी तरह सारी स्ट्रीम वगैरह 3 दफ़ा स्ट्रीम स्टार्ट हुई थी, मैंने 3 दफ़ा उसको डिलीट किया। ऑक्सी जो तैयब था उसने भी डिलीट किया, मेरे भाई ने भी, सारा कुछ मिलके मदद की, हम लोगों ने, चैनल हमें मिल गया। तो फिर दोबारा क्या था, सारी वीडियोस जो थी वो प्राइवेट हो गई थी, मतलब सारा कुछ, मतलब हैकर जो था उसने सारा कुछ प्राइवेट कर दिया था कि कोई भी सर्च करे चैनल तो उसके पास कुछ भी ना आए। तो ये जिस तरह आप लोग देख सकते हो, सर्च करोगे तो 1 वीडियो आता था, अभी भी आई थिंक 1 वीडियो आ रहा होगा। तो फिर मैंने वो सारी वीडियोज़ वगैरह थी, आप वीडियोज़ में जाओगे तब आपको थोड़ा बहुत नज़र आएगा, इस तरह सारी वीडियोज़ वो बंदा प्राइवेट कर चुका था मेरी। तो यार, चैनल एक्सेस में मिलने के बाद भी हैकर ने पूरी कोशिश की कि इसको चैनल किसी तरह वापस मिल जाए, लेकिन अब वो तैयब ने सारा सीन करके, सारा बैकअप वगैरह चेंज करके, उसने पासवर्ड वगैरह, बैकअप कोड, जो भी सीन होता है उसने सारा कुछ वो चेंज कर दिया था वहाँ से। फिर हैकर के पास बिल्कुल एक्सेस ख़त्म हो गई। तो यार, ये सारा सीन होने के बाद मुझे यूट्यूब की तरफ से एक मेल आती है कि आपने अगर दोबारा इस तरह का कोई कंटेंट पोस्ट किया तो हम बगैर पूछे आपका चैनल ख़त्म कर देंगे, बंद कर देंगे। तो यार, मैंने तो इस तरह का कुछ किया ही नहीं, मैंने तो लाइव स्ट्रीम नहीं की, मैं क्यों अपने चैनल को ख़त्म करूँगा। तो बस यही था यार, सारी हैकर की मस्ती थी, उसने मेरा चैनल को ख़त्म करने की कोशिश की या सारा कुछ, लेकिन नाकाम कोशिश होगी ये भाइयों की वजह से जिन्होंने चैनल में रिकवर करने में इतनी मदद की मेरी। तो अब ये सीन है कि यार चैनल मेरा बिल्कुल एक किस्म का समझ लो डेड हो चुका है बिल्कुल। जितने मेरे ऑडियंस आती थी वो भी अब मेरे ख्याल में नहीं आएगी, क्योंकि यूट्यूब की तरफ से यूट्यूब समझती है कि ये बंदा इस तरह का कंटेंट जानबूझ के पोस्ट करे, लेकिन मैं तो इस तरह कुछ कर ही नहीं रहा, तो फिर ये क्या सीन हो रहा है। तो यूट्यूब मतलब चैनल को बिल्कुल डाउन कर देती है, जितना चल रहा होता है उससे भी ज़्यादा। तो ये स्क्रीन पे देख सकते हो, ये सारी वार्निंग मुझे आई हुई है यूट्यूब से। मैं बताता हूँ ये मेरा सीन हुआ किस तरह था। यार, आपको मैं मेन बात बताता हूँ कि आप कभी भी, आप किसी पे भी ट्रस्ट ना करो। आपका दोस्त है, बचपन का दोस्त है, करीबी से करीबी दोस्त है, आप उस पर ट्रस्ट ना करो। मेरे साथ यही हुआ कि उस मेरे दोस्त ने मुझे लिंक भेजा, उसने कहा यार तुम्हारे पास पीसी है तो यार ओपन करके देखो। तो यार, आई थिंक उसकी भी गलती नहीं होगी कि उसने, उसको नहीं पता होगा, उसको शायद स्पॉन्सर ही समझ लो आया था, तो उसने ये लिंक किस तरह मुझे भेजा। तो उसने कहा ये पीसी पे ओपन करो, मुझे तो पक्का ट्रस्ट है यार उस पर कि ये कुछ उस तरह नहीं होगा। तो जैसे ही मैंने लिंक ओपन किया, जी आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इसमें मैंने सारा कुछ, मतलब ये उस दोस्त को मैं वीडियो भेजा था, मैंने उसको कहा यार कि ये लिंक मैं ओपन कर रहा हूँ, लेकिन लिंक ओपन करने से कुछ हो नहीं रहा, कुछ भी ओपन नहीं हो रहा। उसने कहा यार वीडियो होगी, एक वीडियो मुझे एक्सट्रैक्ट करके सेंड कर दो। तो मैं जैसे ही उसको ओपन करूँ, कुछ हो ही ना, होगी ना, कुछ भी नहीं होगा आगे, ये भी नहीं ओपन हुई। इसी तरह ये देख लो, ये भी लोडिंग होगी, थोड़ी सी फुल लोड हो जाता है लेकिन ओपन नहीं हो रही फाइल।
तो बस यार आप लोगों से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जो भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हो अगर आप ये वीडियो शेयर करते हो तो यार बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, ये चैनल बच जाएगा बिल्कुल डेड होने से, क्योंकि अब ये चैनल जहाँ तक मेरा ख्याल है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है किस्म का। अब मैंने लाइव स्ट्रीम करने का सोचा था लेकिन लाइव स्ट्रीम कैसे करूँ, पीसी पे भी सारा कुछ रीइंस्टॉल करना पड़ेगा सब कुछ, बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई है। तो अब देखते हैं यार क्या होता है, आप लोगों ने बस शेयर कर देना बस यार।